जय क्रिस्ट प्रेज द लॉर्ड। आज 31 मई 2020 हम एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में उसकी आराधना महिमा करने के लिए। आइए आज का संडे का वर्शिप शुरुआत करेंगे। और परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले कुछ क्षण हम शांत चित्त होकर के अपने मनों की तैयारी करेंगे और मनों में प्रार्थना करेंगे। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आमेन। कल से हम सब खड़े रहेंगे और खड़े होकर के गीत गाएंगे मराठी में 533 533। तो बोला भी दे आई एम थाइन ओ लॉर्ड। हिम गाने के पश्चात हम उसी तरह से खड़े रह करके प्रेम दुर्गा विश्वास बोले। Yeah.
धन्यवाद सब बोलेंगे करते प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों पर साथे उपकार स्तुति की भेंट चढ़ाते। प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि के रचयिता आप है, अपने शब्द से आपने सारी सृष्टि की रचना की हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सर्व सामर्थ्य सर्व ज्ञानी हैं, हम अति नम्रता से अपने सर्व को झुकाते हुए आपके भवन में आपके घर में अपने शिष्यों को नमाते हुए सिजदा करते हुए आते हैं। प्रभु जी प्रवेश में से आपकी नाम की जय हो, प्रवेश में से आपकी नाम की जय हो, प्रवेश में से आपकी नाम की जय हो, प्रवेश में से आपके रक्त की जय हो, प्रवेश में से आपके रक्त की जय हो, प्रवेश में से आपके रक्त की जय हो। प्रभु जी हम पापी नीच तुच्छ होने के बावजूद भी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, उस महान प्रेम के लिए हम आपको की बेटे चढ़ाते धन्यवाद देते। प्रभु जी हम आपके ऋणी हैं। प्रभु जी बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं अपनी विश्रांति तुम्हें दूंगा, ऐसा आपने अभी वचन दिया प्रभु जी। इसलिए हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने सारे बोझ अपने सारे लोड्स आपके पास लाते प्रभु जी, आपसे विश्रांति की मिन्नत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ होते हुए भी फिर भी आपने शून्य बने, क्रूस की वेदना से ही मारे गए गाड़े गए और फिर से जी उठ करके मौत पर आपने विजय प्राप्त की। प्रभु जी शैतान के ऊपर आपने विजय प्राप्त की और वो विरासत आपने हमको दी, ये हमारा सौभाग्य। प्रभु जी हमारे साथ जितने भी जुड़े प्रभु जी प्रार्थना में सबके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इस आराधना में आपकी महिमा हो रही, आपकी जय जयकार हो रही, आपका गौरव हो रही। प्रभु जी हम छोटे छोटे होते जाए और आपका नाम ऊंचा ऊंचा होते जाए। प्रभु जी आपकी भरपूर आशीष सब जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी बनी रहे, आपकी बहुतायत की आशीष हम पर बने। प्रभु जी इस दौर में हम आपसे विशेष रूप से सहायता की भीख मांग रहे प्रभु जी, जबकि COVID-19 का जो कहर बरपा है प्रभु जी सारे जगत के अंदर में लोगों में हाहाकार मचा है प्रभु जी, हजारों लाखों लोग प्रभु जी मुक्ति पाए और लाखों लोग प्रभु जी पीड़ित है, उनके परिजन परेशान हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी आपके अभी वचन द्वारा के अनुसार प्रभु जी सबको शांति दीजिए और ऐसा वर दीजिए हमको कि प्रभु जी हम फिर से एक बार आपके पास आए, आपके पास आए गिड़गिड़ाए। आपने कहा कि आप हमको अपने वचन दिया कि आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पश्चाताप करो तो प्रभु जी आप उधार देंगे, ये आपका वचन आएगा। और हम सबको प्रभु जी और सारे जगत के लोगों के लिए हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तूफान का कहर भी बरपा लोग परेशान हुए उनके लिए प्रार्थना करते, मजदूर लोग जो स्थलांतर कर रहे प्रभु जी उनके उनके दर्द को उनकी वेदना को उनकी तकलीफ को जब हम देख रहे
रहा है, उनके साथ रहिए, मदद कीजिए। हमारे प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ रहिए। पुलिस, एनजीओ जो काम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ रहिए। सबको सद्बुद्धि दीजिए इस वक्त में, सही निर्णय लेने के लिए, सही काम करने के लिए, सही मदद देने के लिए। हम सबके साथ रहिए। इस वक्त हम हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं, माइज के लिए प्रार्थना करते हैं, मेम के लिए प्रार्थना करते हैं, WSS के लिए प्रार्थना करते हैं, पासवर्ड कमिटी, पासवर्ड कॉन्फ्रेंस, हमारे पासवान के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी जबकि वे पूना में लॉकडाउन की वजह से वहाँ फंसे हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें विशेष रूप से आप पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि इस कलीसिया का जिम्मा और कलीसिया को चलाने के लिए उन्हें सामर्थ्य दीजिए। हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बिशप की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, MCI सारे काउंसिल ऑफ बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, और इतना नहीं परंतु सारे मिनिस्ट्रीज जो कर रहे हैं प्रभु जी, सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दैनिक जीवन के जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त में प्रभु जी, जबकि आपका आपका वचन देना एक प्रकार से प्रभु जी हर्डल है, तो भी लोग जुटे हैं वो बोझ लेकर के कि बहुत सारे लोग आपके पास लाए, और वही बोझ वही आग हमारे दिल में लगा दीजिए प्रभु जी। बचना काफी नहीं है, लेकिन लोगों को बचाना भी आपका हुक्म है प्रभु जी। हमारे जीवन से हम मिसाल पैदा करें, हमारे वचन से हम मिसाल पैदा करें, आपकी दावत है प्रभु जी। इस वक्त में मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना करते, गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। सच में ये सारी चीज जब हम देख रहे प्रभु जी, तो हमारी नज़र आपकी ओर उठती है प्रभु जी, हमारी सहायता कहाँ से मिलती है, तो हमारी सहायता केवल मात्र आपसे मिलती है प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु जी इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, इस आराधना में फिर से एक बार हम आपकी महिमा, आपके गौरव करेंगे प्रभु जी। ये सारी बातें, सारे रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशंस, हमारी समस्याएं हर एक को आपके पास लाते, हर एक को आप भली भांति जानते, हर एक में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। हर हाल में, हर सूरत में, हर परिस्थिति में शैतान का पराजय और प्रभु यीशु मसीह के मात्र आप ही जय हो। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोले, और फादर गॉड इन हेवन, ये नाम दाई में मांगो, तुझे राज्य जन्म तुझे सुधार तुझे बुद्धि दो तुझे अच्छे प्रमाण दे आप शिव शिव कर समाज दे अनंत पर चरण समय सुचा अशे देव जी ने नाम आणि आम्हा सुपरिषद करू तर नाही वाईट असं सु कारण जीवाच सामर्थ्य आहे फन सरते वाला तुझे सहाय आमेन। इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और आरी बारी से शास्त्र पाठ होगा, हम सब खड़े रहेंगे और भजन संहिता 145, भजन संहिता 145 उसके पहले 9 वचन हम देखेंगे। मैं सैम ब्रदर से विनती करूँगा कि हमें इस शास्त्र पाठ में अगुवाई करें, और उसके पश्चात हम खड़े होकर उसी तरह से सुवंदे देवा ये गीत गाएंगे। भजन संहिता 145 1-9, भजन संहिता इसका 145 वचन 1-9 तक हमारी वारी से पठन करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तो धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा
और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी युगों चला चला जाए। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति से चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। युवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। पिता परमेश्वर बड़े वचनों के द्वारा हम आशीषित करें। इसी तरह खड़े रहते हुए हम सुगंधित देवाय गीत गाएंगे। शास्त्र भाग चुना गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 3रा वचन। आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 3रा वचन। मैं प्रशांत ब्रदर से विनती करूंगा कि हमारे लिए पढ़े। आज के मनन के लिए चुना गया हुआ शास्त्र भाग है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय और 3रा वचन। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु परमेश्वर हमें सहाय करे इस वचन को समझने के लिए। इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, परमेश्वर की गुणगान गाएंगे और ऊंचे स्वर के साथ हमारे साथ आप शामिल हो। मैं मैम से विनती करूंगा कि हमारे लिए अगुवाई करें प्रेजेंट वर्शिप। सबसे पहले मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने सुंदर सा मौका हमें उसके पवित्र भवन में आके करने का मौका दिया। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर का इस समय गानों के द्वारा महान महिमा स्तुति और आराधना करेंगे। इस समय वंदन इस बुक में से पहला सॉन्ग है आदि वंदन देवा तुला। इस सॉन्ग को हम सब मिलकर गाएंगे।
चार है, आवाज उठाएंगे, इस सॉन्ग को हम सब मिलकर गाएंगे। Hey.
इसी तरह हम सब लोग परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले हम सब उसकी मान महिमा करने के लिए वर्शिप सॉन्ग के लिए तेरे बिन कुछ भी नहीं इस सॉन्ग को हम सब मिलकर गाएंगे। Should be.
इस वक्त आज का जो वचन हमारे लिए लाएंगे प्रिया बोधनकर सिस्टर, ये हमारे लिए आज का वचन लाएगी। मैं विनती करूंगा प्रिया बोधनकर सिस्टर से कि हमारे लिए वचन लाए। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज तक हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा और आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। इसलिए मैं हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और उसी तरह हमारे आदरणीय डियर सर, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज यह मौका मुझे दिया है कि वचनों में से मैं बात कर सकूँ। धन्यवाद डियर सर।
आइए हम वचनों में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज तक आपने हमें संभाले रखा है। प्रभु प्रभु आप मुझे आपके वचनों में से बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा किया है प्रभु, इसलिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु प्रभु मुझे मार्गदर्शन कीजिए, सहायता और मदद कीजिए, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाइए। प्रभु आगे का पूरा समय मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए यह छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे पिता, आमीन। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 24 और वचन 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज हम देखते हैं इस संसार में महामारी फैल रही है, कोरोना वायरस फैल रहा है, बहुत से जगहों पर अकाल पड़ा हुआ है, बहुत से जगह पर भूकंप हो रहे हैं, बहुत से आंधी तूफाने आ रही है, बहुत से संकट आज हमारे ऊपर आ रहे हैं। प्रियो इन सारे बातों को देखते हुए आज हमारे मन में भी यह प्रश्न आज हमारे मन में भी यही सवाल है, कहीं यीशु मसीह के आने का समय यही तो नहीं है। क्या यीशु मसीह आने के पहले जो बातें होने वाली थी, क्या वो सारी बातें यही है। यह सारे सवाल आज हमारे मन में भी है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम वचनों में से ही देखेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 24 और वचन 4 से लेकर 12 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यह वचन आज हमारे लिए भी है। यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आज हमें यह भी सुनने को मिलता है, बहुत से जगहों पर यह भरमाने वाले लोग भी आ चुके हैं। कोई कहता है मसीह यहाँ पर है, तो कोई कहता है मसीह वहाँ पर है, मसीह ने यह चिन्ह किया है, मसीह ने वह चिन्ह किया है। यह भरमाने वाले लोग भी आज संसार में आ चुके हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है हमसे कि सावधान रहो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। लड़ाइयों की चर्चा सुनेगो तो घबरा न जाना, यानी कि आज हमें यह भी सुनने को मिल रहा है प्रियो कि बहुत से जगह पर एक दूसरे के साथ लोग लड़ रहे हैं। यह सारी बातें हमारे सुनने में आती है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि इन सारी बातों से घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है। ये सारी बातें होना तो अवश्य है, लेकिन अंत अभी नहीं होगा। अंत ये सारी बातें होना अवश्य है, लेकिन अंत अभी नहीं होने वाला। अंत कब होगा यह भी हम इसी अध्याय के 14 वचन में देखते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों पर जब हम गवाह हो जाएंगे तब इस पृथ्वी का अंत होगा प्रियो, अभी अंत नहीं होगा। यह सारी बातें होना अवश्य है, लेकिन पृथ्वी का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जाति पर जाति राज्य पर राज्य आज चढ़ाई कर रहे हैं, यह भी हमें सुनने को मिल रहा है। हम जब न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में हमें यह बातें सुनने को मिलते हैं कि जाति पर जाति राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और बहुत से जगह पर आज अकाल पड़ा हुआ है, बहुत से लोगों को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, और बहुत से जगहों पर भूकंप हो रही है, और बहुत से जगहों पर आंधी तूफाने आ रही है, लेकिन इन सब का होना अवश्य है, यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि सावधान रहो। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी,
तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आज हम देखते हैं प्रियो कि हम खुलेआम हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। आज हम हमारे प्रभु के मंदिर में, प्रभु के भवन में जाकर हम प्रभु का सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आज हमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमें पकड़वा कर दे सकते हैं प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि ये बातें होना अवश्य है, लेकिन तुम सावधान रहो। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आज इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। कोई कहता है इस समय ये होने वाला है, तो कोई कहता है इस समय ये यह होने वाला है। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आ चुके हैं इस पृथ्वी पर। इसीलिए इसी अध्याय के 23 वचन में प्रभु यीशु ने कहा है हमसे, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। भरमाने वाले लोग औरों को तो भरमा रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, लेकिन आज जो हम उसके चुने हुए लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, हम लोगों को भी आज भरमाने वाले लोग, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर कर सकते हैं प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें कहा है कि सावधान रहो, सावधान रहो। इसलिए हमें सावधान रहना है। यह सारी बातें आज हमें संसार में देखने को मिलते हैं। महामारी आ चुकी है, बहुत से जगहों पर अकाल पड़ा हुआ है, भूकंप हो रहे हैं, आंधी तूफाने आ रही है, बहुत से लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। ये सारी बातें जो यीशु मसीह ने कहा है, यह सारी बातें आज पृथ्वी पर हो रही है। इन सारे बातों को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। इसीलिए हमें सावधान रहना है। और इसी अध्याय के 13 वचन में प्रभु यीशु ने कहा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये सारी बातें इस पृथ्वी पर होना तो अवश्य है, लेकिन अंत तक हमें धीरज धरे रहना है। जब हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है। और आगे भी वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 24 और वचन 25, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मैंने सारी बातें जो इस पृथ्वी पर होने वाली है, सारी बातें मैंने पहले से तुम्हें कह दिए हैं। यानी कि यीशु मसीह यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि मैं सब बातें तुम्हें बता चुका हूँ, अब जो कुछ है तुम्हारे हाथ में है। यानी कि हमें इस संसार में रहना है, ये बातें होना तो अवश्य है, इन सारी बातों से हमें बचना है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये सारी बातें मैं तुम्हें पहले से कह दिए। इन सारी बातों को हम सुनते हुए, देखते हुए, जानते हुए भी अगर हम अनजान बनते हैं, तो जो कुछ आज इस पृथ्वी पर हो रहा है, इन सारी बातों की शिकार हम भी हो सकते हैं प्रियो। इस बात पर हमें ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सारी बातें होना तो अवश्य है, ये सारी बातें मैंने पहले से तुम्हें कह दिए हैं। ये सारी बातें सुनते हुए भी अगर हम प्रभु के करीब नहीं जाते, हम पश्चाताप नहीं करते, अगर हम मन नहीं फिराते, तो आज इस पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है, इन सारी बातों के शिकार मैं और आप भी हो सकते हैं प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि सावधान रहो, धीरज धरो, क्योंकि इन सारी बातों का होना तो अवश्य है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं कि हमारा नाश हो, और हमें मन फिराना है और हमारे प्रभु के ओर जाना है। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किया है कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 4 और वचन 17, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे उसी समय से लेकर अब तक हमें यही प्रचार करते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसी तरह जो बापतिस्मा जो देता था यूहन्ना, उसने भी यही प्रचार किया है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और हम प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय 38 वचन में भी पत्रस ने भी यही कहा है, मन फिराओ। और हमारे प्रभु परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हमारा किसी का भी नाश न हो, हमारा नाश न हो, हमारे परमेश्वर की भी यही इच्छा है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 3 और वचन 16 में परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति से ही नहीं, हमारे परमेश्वर ने सिर्फ मसीह लोगों से ही नहीं, हमारे परमेश्वर ने सिर्फ धर्मी लोगों से ही नहीं, हमारे परमेश्वर ने पूरे जगत से, पूरे विश्व से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। प्रियो, किस लिए? इसीलिए कि हम, मेरा और आपका नाश न हो वरन हमें सार्वकालिक जीवन मिले। इसीलिए यीशु मसीह ने, इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा कि हमारा नाश न हो। हमारे परमेश्वर की भी इच्छा यही है कि हमारा नाश न हो। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा है कि सावधान रहो, धीरज धरो और मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इसीलिए हमें मन फिराना है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के करीब जाना है। अनंत जीवन पाने के लिए हमारे पापों को मान लेना है, पश्चाताप करना है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के करीब जाना है। प्रियो, और हम देखते हैं पहला यूहन्ना इसका पहला अध्याय वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम हमारे पापों को मान लेने से हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, चाहे हमारे पाप कैसे क्यों न होते, चाहे कितने क्यों ना हमारे पाप क्यों ना होते, चाहे कितने भी अगर हम गिनने को बैठे तो हमारे पाप बहुत कुछ, बहुत सारे पाप है। प्रियो, लेकिन हमारे पाप कितने क्यों नहीं होते, कैसे क्यों नहीं होते, हमारा प्रभु उन पापों से हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रियो, हमारा प्रभु उन सारे पापों से हमें क्षमा करने में और क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, इसीलिए हमें हमारे पापों को मान लेना है और हमारे प्रभु के करीब जाना है। हम वचन में भी देखते हैं यशायाह की किताब इसका पहला अध्याय वचन 18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारे पाप कैसे क्यों न होते, लेकिन उन सारे पापों से शुद्ध करने के लिए हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह तैयार है। क्या आज हम हमारे पापों को मान लेने के लिए हम तैयार है क्या? यह सवाल हम हमारे मनों से हम पूछते हैं कि क्या आज यह हम हमारे पापों को मान लेते हैं क्या? इसीलिए हम हमारे पापों को मान लेना है और हमारे प्रभु के करीब जाना है। चाहे हमारे पाप कैसे क्यों न होते, उन सारे पापों से छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, जिस तरह हम देखते हैं उदाहरण के तौर में चुंगी लेने वाला जक्कई है उसे भी परमेश्वर ने क्षमा किया है। जिस घड़ी उसने अपने पापों को मान लिया उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे आशीष दी कि आज ही इस घर में उद्धार आया है। इस तरह हमारा प्रभु हमें भी आशीष देगा। प्रियो, कब? जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं जब हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उसके साथ दो और कुकर्मी थे, उनको भी लटकाया गया था। उसमें से एक ने उसी समय उसी जगह पर अपने पापों को मान लेता है और उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आज हमारा प्रभु मुझे और आपको क्यों न माफ करेगा? प्रियो, चाहे हमारे पाप कैसे क्यों नहीं होते,
अगर आज अभी हम कहते हैं कि हाँ प्रभु मैंने यह पाप किया है मुझे क्षमा कर, तो आज इसी घड़ी हमारा प्रभु हमें क्षमा करेगा प्रियो। और जो कुछ आज इस संसार में हो रहा है इस सारी बातों से हमें बचाए रखेगा हमारा प्रभु। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, हमारे पापों से मन फिराना है और हमारे प्रभु के ओर जाना है। और उसी तरह हम देखते हैं वचन दूसरा इतिहास इसका 7:13-14 तक हम देखते हैं, उसमें भी कहा गया है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, हम हमारे पापों को मानकर हम हमारे प्रभु की ओर फिरते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से भी हमारी प्रार्थना सुनकर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है प्रियो। क्या आज हम तैयार है क्या हमारे पापों को मान लेने के लिए? इसलिए हमें हमारे पापों को मान लेना है और हमारे प्रभु के करीब जाना है। और हम आगे भी देखते हैं यहेजकेल की किताब इसका 18:32, क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हमें जीवित रहने के लिए पश्चाताप करना है। हम देखते हैं आज पृथ्वी पर बहुत सारे लोग मर मिटे हैं इस महामारी से प्रियो। तो आज हम देखते हैं कि इस महामारी से बहुत से लोग मर चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो मर चुके हैं उनसे मैं प्रसन्न नहीं होने वाला, जो पश्चाताप करता है, जो पश्चाताप करेगा वही जीवित रहेगा। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, पश्चाताप का मन लेकर हमें प्रभु की ओर जाना है। हमें जीवित रहने के लिए पश्चाताप करना ही होगा। और आज हम इस जिस किसी परिस्थिति में है, जो भी समय प्रभु ने आज हमें दिया है, उस परिस्थिति को, उस समय को बहुमूल्य समझते हुए प्रभु की ओर जाना है। हमें बहुमूल्य समझना है क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज का दिन देखने को नहीं मिला है प्रियो। इसलिए आज का समय जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है इसे बहुमूल्य समझना है। और यह भी वचन में ही कहा गया है, इफिसियों की पत्री इसका 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है, पश्चाताप करना है और अपने पापों को मान लेना है और प्रभु के करीब जाना है प्रियो। दिन बुरे हैं इसलिए हमें अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमारे प्रभु के करीब जाना है। और आगे भी कहा गया है इफिसियों की पत्री इसका 5:20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आज हम देखते हैं प्रियो, इस महामारी से बहुत से लोग मर मिटे हैं, बहुत से जगहों पर अकाल पड़ा है, बहुत से लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, आज का समय परमेश्वर ने हमें दिया है, इस समय को बहुमूल्य समझते हुए हमारे प्रभु परमेश्वर के करीब जाना है और उसके नाम को धन्यवाद देना है प्रियो। आज यह सारी बातें देखते हुए सुनते हुए आज जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि इन सारी बातों का होना तो अवश्य है, यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि सावधान रहो, धीरज धरो और अपने पापों को मान लो और अपने प्रभु की ओर फिरो। यह यीशु मसीह ने कहा है। इन सारी बातों को देखते हुए जानते हुए हमें यह पता चलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। इसीलिए हमें यीशु मसीह ने कहा है कि सावधान रहो, धीरज धरो, मन फिराओ। सावधान रहना है क्योंकि प्रभु यीशु ने यह सारी बातें पहले ही हमें बता चुके हैं, और धीरज धरना है क्योंकि इन सारी बातों का होना अवश्य है।
मन फिराना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किया है कि मन फिराओ और विश्वास करना है यीशु और विश्वास करना है। अगर हमें अनंत काल का जीवन पाना है तो हमें विश्वास योग्य बने रहना है और हमारे सारे पापों को मान लेना है। अगर हम सारे पापों को मान लेते हैं तो उसे क्षमा करने के लिए हमारा प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है। और हमें जीवित रहने के लिए पश्चाताप करना है। जो आज तक मर मिटे हैं उन लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं होने वाला, इसलिए अगर हमें जीवित रहना है तो हमें पश्चाताप करना है। और हमें अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमारे प्रभु के करीब जाना है और हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है और सदा सर्वदा हमें प्रार्थना में बने रहना है। प्रियो, इन सारी बातों को जानते हुए कि आज संसार में महामारी फैली है, आज संसार में जो कुछ हो रहा है तो हम लोग डर रहे हैं। प्रियो, हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, वरन हमें प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास योग्य रहना है और औरों के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रियो, प्रार्थना करना है और हर समय हर क्षण हर दिन हमें हमारे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने मुझे वचनों में से बात करने के लिए सहायता और मदद किए है और मार्गदर्शन किए प्रभु, इसलिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आज प्रभु इस वचन को जो जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को आपने आशीष दिया है प्रभु इस वचन के द्वारा। प्रभु उनके मनों से आपने बात किया है प्रभु, यह मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। प्रभु आगे का पूरा समय मैं आपके हाथ में सौंपते हुए यह छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे पिता, आमीन। धन्यवाद प्रिया पोतनकर सिस्टर, बहुत बढ़िया आपने सरमन दिया है और इस अंत के दिनों में जो चिन्ह परमेश्वर ने हमको दिखा रहे हैं इसका अवगत कराने के लिए बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम एक विशेष गीत सुनेंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर का मत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए। आइए समय हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर स्तुति करें। अंबर भी नया धरती भी नई और नया यरूशलम होगा, हर सुबह नई हर शाम नई हर वक्त सुहाना होगा, सुंदर सनगर एक होगा, सुंदर सनगर एक होगा। अंबर भी नया धरती भी नई और I'm not afraid of the dark.
सुंदर से गीत के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज का अनाउंसमेंट सुनेंगे। संडे स्कूल हर सप्ताह में एक कंपटीशन रखा है, तो इस आने वाले जून 2 तारीख को स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन प्रसारित होगा। तो आपको जितनों को भी जिन्होंने अपना एंट्री आज तक दिया है, इन्हीं का प्रसारण होगा। और ट्यूसडे के दिन 2 तारीख जून को आप इसको देखेंगे नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च के चैनल पर। और मुझे मैं अनुरोध करूंगा सारे लोगों के कि इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि ये सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आने वाले ट्यूसडे को यानी 9 तारीख जून को मेमोरी वर्स कंपटीशन होगा। जून 9 मंगलवार को मेमोरी वर्स कंपटीशन होगा। तो आने वाले 7 तारीख तक आपको इसके एंट्रीज देनी है। और जो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, इनको एक इंस्ट्रक्शन है संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट की ओर से। जो वर्स आप बाईहार्ट बोल रहे तो उसको आंख बंद करके रिकॉर्डिंग करना है। आपको वचन बोलते समय आंख बंद करके रिकॉर्डिंग करना है। जो भी वचन मेमोरी वर्स आप बोलेंगे, आंख बंद करके रिकॉर्डिंग करके आप एंट्रीज भाई मार्टिन को आप आने वाले संडे यानी 7 जून तक भेज दीजिए, ताकि आने वाले 9 तारीख को इसका प्रसारण होगा नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त इस सप्ताह से WSS डिसाइपल ऑनलाइन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का आयोजन किया है। सो WSS बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के एरिया एडवाइज़र मैडम सिल्विया सर्वेंट, जो बिशप मैडम है, और प्रेसिडेंट WSS की मिसेज सुजा राजकुमार, इनके मार्गदर्शन से और मिसेस कांचन श्री सुंदर, जो सेक्रेटरी फॉर क्रिश्चियन लाइफ एंड स्पिरिचुअल होम WSS की जो रीजनल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी इनकी वे सेक्रेटरी है, इनके नेतृत्व में सभी के लिए शिष्यता प्रशिक्षण ऑनलाइन ट्रेनिंग 3 जून से हम शुरू करेंगे। हर बुधवार और शुक्रवार को, 3 जून के आगे हर बुधवार और शुक्रवार को लगातार हम 10 मॉड्यूल्स इसकी होंगी कंटिन्यूसली। शाम 7 बजे मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो है, हालांकि WSS इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन सभी को इसका निमंत्रण है। जो भी इसमें इंटरेस्ट रखना चाहता है कि ये डिसाइपलशिप ट्रेनिंग ले, वे सब इसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मिसेस कांचन श्री सुंदर को आप अपना सिर्फ नाम देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बनानी है। और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसके अंदर मैं आपको प्रशिक्षण के इंस्ट्रक्शंस वगैरह या उसके मॉड्यूल्स जो है आपको भेजेंगे। और इसके कंप्लीट होने पर एक सर्टिफिकेट भी अवार्ड करेंगे WSS जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है इसके। और इस ट्रेनिंग में इसकी और डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू देंगे। 2-3 दिन हम आपको रिमाइंड करेंगे। और आने वाले जून 3 तारीख से इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग हम शुरू करें। लॉकडाउन की वजह से हम लोग, बहुत सारे लोग जो मंथली सब्सक्रिप्शन है देना चाहते पर दे नहीं पाए, और कुछ लोग ने कुछ ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफ़र किया। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी ऑनलाइन आपने पैसे जमा कराए, ट्रेजरर आपको उसको बताए कि ये आप किसके लिए दे रहे हो, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, बिल्डिंग फंड दे रहे हो, ताकि बैंक के इसके अंदर में स्टेटमेंट के अंदर में आपका नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमको पता नहीं, उसका रिसिप्ट बनाना ज़रूरी है। और रिसिप्ट बनाने के लिए उस किस हेडिंग के अंदर में आपने पैसा जमा कराए, इसका हमको जानकारी होना ज़रूरी है। इसके पहले भी मैंने आपको रिक्वेस्ट करा, जो आपको जो बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो नोटिफिकेशन आता, वो आप फॉरवर्ड करके हमारे ट्रेजरर
फलाना को आप बोले कि ये पैसा किसके लिए, तो उसके हिसाब से उसका रिसिप्ट बनेगी। तो आप बहुत सारे लोगों ने कुछ पैसा दिया है, पर आप वो पैसा अगर से आज या कल में अगर से आपने बता दिए तो उसके हिसाब से रिसिप्ट बनेगी, वरना वो सारे डोनेशन की रिसिप्ट बन करके फिर अकाउंट में जाएगा। और जिनको भी ये बॉक्सेस दिए गए लेंट सीजन के अंदर में, आप इसको जमा कर सकते हैं, और लॉकडाउन अगर से कंटिन्यूशन हुआ तो इसके बदले में दूसरा बॉक्स लेकर के जा सकते हैं। तो इसके जब भी आपको जमा करानी है, हर फ्राइडे के दिन जब तक लॉकडाउन रहेगा, हर फ्राइडे के दिन हमारे ट्रेजरर पॉलाना और फाइनेंस कमेटी चेयरपर्सन मिस्टर रवि ब्रदर ये चर्च के अंदर में 10 से 11:30 बजे तक बैठेंगे। जिनको सब्सक्रिप्शन देना है, डोनेशन देना है, बिल्डिंग फंड देना है, वे प्लीज़ आ करके उनके पास जमा करें और अपना रिसिप्ट ले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गए फ्राइडे को पॉलाना रवि ब्रदर और शिला सन्ना भी आए थे, वॉलंटरीली आकर के उन्होंने अपना योगदान दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा ये इनिशिएशन के लिए। फाइनेंस कमेटी, तमाम फाइनेंस कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वक्त हमारे पासवान के लिए। आप विशेष रूप से प्रार्थना भी याद रखें, जो तूफान में लोग फंसे हैं, जो आहत हुआ उनके लिए प्रार्थना करें, कोविड के जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रार्थना करें और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और मजदूर जो चल रहे बेचारे उनके लिए भी आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में प्लीज़ याद कीजिएगा। हमारे प्रशासन के लिए भी याद कीजिएगा और हमारे चर्च के लिए विशेष रूप से आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखिएगा। विशेष रूप से हमारे नांदेड़ के पालक मंत्री माजी CM महाराष्ट्र के मिस्टर अशोकराव चव्हाण, वे भी अस्वस्थ है, एडमिट है हॉस्पिटल में, विशेष रूप से उनका भी आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखिएगा। थैंक यू। इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे, एक गीत गाएंगे और इस गीत होते समय हमारे भेंट परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। ये जो लेंट बॉक्स के लेंट के बॉक्स दिए गए, इसके अंदर में आप अपना योगदान, अपना भेंट परमेश्वर को चढ़ाइएगा। तन मन धन ये गीत गाएंगे हम लोग 506 मराठी में। इस गीत होते समय हमारे आइए इस वक्त हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पण करेंगे और तन मन धन ये गीत गाएंगे 506 मराठी में, और इस गीत होते समय हमारे भेंट परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। ये जो बॉक्सेस आपको दिए गए, ये बॉक्सेस में आप अपने भेंट डालिएगा। Oh,
इस वक्त मैं हमारे पासवान डीएस रेवरेंड सामिल कैनेट सर से विनती करूंगा कि इस भेंट पर प्रार्थना करें और उसके बाद हम सब आशीष दें और उसके पश्चात हम मंगलाई गीत गाएंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करेंगे। दान पर प्रार्थना होगी, आशीष वचन होगा, उसके बाद मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह कृपा के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आज की इस भक्ति के द्वारा आज के वचन के द्वारा तूने हम सब पर ऊंडेली, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते बेटी प्रिया बोधनकर इसके लिए प्रभु परमेश्वर, सुंदर से वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन किया प्रभु परमेश्वर और आशीषित किया, तेरा मन से धन्यवाद कर। उस बेटी पर, वचन पर, हम सब पर तेरी आशीष उन्हें खासकर दान के लिए प्रार्थना करते। जिस हाथ से दिया, जिस भांडार से, सबको तो आशीष से भर दे, इसका उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आशीष को लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आज के वचन के साथ, बेटी प्रिया के साथ, हम सब के साथ, खासकर हमारे मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ और सारे वर्कर के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया बुजुर्गों के बच्चों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। आने वाले दिनों में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री।